भारत तथा विश्व बैंक, इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक। भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ साथ विश्व बैंक का भी संस्थापक सदस्य है। भारत उन 17 देशों में से एक है जिन्होंने 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस का एजेंडा तैयार किया था। बैंक की स्थापना के लिए सबसे पहले जिन 44 देशों के अंतिम प्रारूप पर हस्ताक्षर किए थे, भारत भी उनमें से एक देश था। वास्तव में यह कहा जा सकता है कि इस बैंक का वर्तमान नाम अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक के नाम का सुझाव भारत ने ही दिया था। भारत को विश्व बैंक की सदस्यता से निम्नलिखित लाभ प्राप्त हुए। कार्यकारी सदस्य, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। भारत कई वर्षों से विश्व बैंक के संचालक मंडल का स्थायी सदस्य रहा है। विश्व बैंक से ऋण। भारत को अपनी विकासात्मक योजनाओं के लिए विश्व बैंक से काफ़ी मात्रा में ऋण प्राप्त हुए हैं। वर्ष 2009-10 में विश्व बैंक ने अपनी IBRD तथा IDA की शाखाओं द्वारा भारत को लगभग 9 बिलियन डॉलर के ऋण दिए थे। यह उसके द्वारा दिए गए ऋणों का 15% था। इसी प्रकार कई योजनाओं के लिए विश्व बैंक ने भारत को लोन दिए, जैसे रेलवे, दामोदर घाटी निगम की बिजली परियोजना, सिंचाई योजनाएं, एयर इंडिया द्वारा हवाई जहाज़ खरीदने के लिए, बंदरगाहों के विकास के लिए, महाराष्ट्र की कोयला बिजली परियोजना, कोयला उद्योग, टाटा लोहा तथा इस्पात कंपनी, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI, टेली कम्युनिकेशन, जल पूर्ति तथा सफाई, सड़क निर्माण, समुद्र से पेट्रोल निकालने की योजनाएं, सीमेंट, रबर तथा इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग आदि के लिए भारत को विश्व बैंक ने ऋण दिए। भारत सहायता क्लब अथवा भारत विकास फॉर्म। भारत ने भारत के योजनात्मक विकास के लिए वित्तीय सहायता तथा विदेशी विनिमय का प्रबंध करने के लिए भी विश्व बैंक के प्रयत्नों से अगस्त 1950 में भारत सहायता क्लब की स्थापना की गई। इस क्लब के अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, जर्मनी, कनाडा जैसे देश सदस्य हैं। इस क्लब ने भारत को विदेशी विनिमय के रूप में महत्वपूर्ण धनराशि के ऋण दिए हैं। अब इसे भारतीय विकास फोरम, इंडियन डेवलपमेंट फोरम कहा जाता है। 29 जुलाई 1994 में होने वाली इस फोरम की पहली मीटिंग में कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों तथा भारत की 15 निजी कंपनियों को आमंत्रित किया गया था। पाकिस्तान के साथ नहरी पानी विवाद में मध्यस्थता। भारत तथा पाकिस्तान में पंजाब की नदियों के जल विभाजन को लेकर कई बार विवाद हुआ है। विश्व बैंक ने इस विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थता का कार्य भी किया था। बैंक की मध्यस्थता के फलस्वरूप 1952 में दोनों देशों के बीच में वार्ता प्रारंभ हुई तथा 1959 में इस विवाद का निपटारा हो गया। सामान्य ऋणों की सुविधा। भारत को विश्व बैंक से सामान्य ऋण की सुविधा भी उपलब्ध हुई है। इसका अभिप्राय है कि भारत को विश्व बैंक से इस प्रकार के ऋण भी उपलब्ध हुए जिसका वह अपनी इच्छा से प्रयोग कर सकता है। विश्व बैंक की सहायक संस्थाओं की सदस्यता से लाभ। भारत को विश्व बैंक की सहायक संस्थाओं से भी कई प्रकार के लाभ प्राप्त हुए हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, बहुराष्ट्रीय निवेश गारंटी एजेंसी। इनके द्वारा भी भारत को निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र में कई प्रकार के ऋण तथा लाभ प्राप्त हुए हैं। तकनीकी सहायता। भारत की परियोजना के लिए विश्व बैंक ने समय समय पर भारत को तकनीकी सहायता भी प्रदान की है।
विश्व बैंक ने अपने लगभग 15 विशेषज्ञ दलों को भारत भेजा। इन विशेषज्ञों ने भारत की विकास योजनाओं का मूल्यांकन करके कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। बैंक के विशेषज्ञों ने माना कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों का सर्वेक्षण करके उनके विकास के संबंध में कई सुझाव दिए। विश्व बैंक ने नई दिल्ली में अपना एक रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव भी नियुक्त किया। यह अधिकारी विकास परियोजनाओं के विषय में भारत सरकार से निरंतर संपर्क रखता है। जनसंख्या नियंत्रण सहायता। विश्व बैंक ने भारत के जनसंख्या नियंत्रण प्रोग्राम को भी प्रभावपूर्ण ढंग से लागू करने तथा शहरी विकास के लिए करोड़ों रुपए के ऋण भारत सरकार को दिए। गैर सरकारी संगठनों की सहायता। विश्व बैंक द्वारा जन कल्याण के कार्यों से संबंधित कई गैर सरकारी संगठनों को भी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। इनमें से मुख्य योजनाएं निम्नलिखित हैं: राष्ट्रीय कोढ़ निवारण, बेसिक शिक्षा परियोजना, बाल विकास सेवा परियोजना आदि। मानवीय विकास परियोजनाएं। विश्व बैंक ने भारत को शिक्षा स्वास्थ्य परियोजनाओं में भी सहायता प्रदान की है। शिक्षा के क्षेत्र में सर्व शिक्षा अभियान व पेशेवर शिक्षा में विश्व बैंक भारत को सहायता दे रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ बीमारियां जैसे टीबी, एड्स आदि के उन्मूलन में भी विश्व बैंक भारत को सहायता दे रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विश्व बैंक ने भारत को समय समय पर और सभी क्षेत्रों के विकास के लिए भिन्न भिन्न समय पर उनको सहायता प्रदान की है। धन्यवाद।